मधुबनी जिला जहां एक ओर अपनी कला संस्कृति के लिए विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर अपनी जातिगत भौगोलिक संरचना के कई मायनों में पिछड़ापन का शिकार भी रहा है। आधारभूत संरचनाओं के अपर्याप्त होने के साथ साथ अशिक्षा के कारण, स्वास्थ्य जागरूकता में कमी होने के कारण वंचित समुदाय सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पूरे जिला भर में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर की स्थिति चिंताजनक रही है। शिशु मृत्यु के मामलों में यह विशेष रूप से देखा गया है कि कई बच्चों की मौतें टीका रोधी बीमारियों के कारण ही हो गई, जो जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। सरकार के सोच के अनुरूप ही जिला प्रशासन भी ऐसा मानती है कि टीकाकरण प्रत्येक शिशुओं का नैसर्गिक अधिकार है और हम यह अधिकार शत प्रतिशत बच्चों के लिए सुनिश्चित कर न केवल अवांछित शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, बल्कि एक सुंदर स्वस्थ समाज की आधारशिला रख सकते हैं। इससे लोगों के समय, ऊर्जा एवं धन की व्यापक बचत हो सकती है। जिला प्रशासन इस महान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जहाँ एक ओर नियमित टीकाकरण को सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास कर रही है, वहीं सरकार द्वारा टीकाकरण का विशेष अभियान चलाकर शत प्रतिशत बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा जिले में मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष तथा ग्राम स्वराज अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मिशन इंद्रधनुष अभियान के दौरान जिले के 13 प्रखंडों में कम आच्छादन वाले क्षेत्रों की पहचान कर कुल 279 सत्रों पर 15,445 छूटे हुए बच्चों की पहचान कर प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया और इस अभियान के दौरान कुल 13,244 बच्चों को प्रतिरक्षित किया जा सका। मिशन इंद्रधनुष के दौरान जिन क्षेत्रों में टीकाकरण का कार्य किया गया, वहां न केवल उन क्षेत्रों का आच्छादन बढ़ा, बल्कि इससे उन प्रखंडों के साथ साथ जिलों के भी टीकाकरण की उपलब्धि में वृद्धि देखी गई। मिशन इंद्रधनुष के उत्साहित परिणामों को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2018 तक 90% लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु पुनः सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन एक विशेष रणनीति बनाकर पूरा करने का निर्णय लिया। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया। इससे इस अभियान को काफी विस्तार मिला। जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी के सीधे देखरेख में जिले भर में शत प्रतिशत लक्ष्यों का सर्वेक्षण कराकर उन सभी बच्चों की सूची तैयार करा लिया गया जो किसी न किसी कारण से टीकाकरण नहीं करवा पा रहे थे। जमीनी स्तर पर टीकाकरण की स्थिति का विस्तृत अध्ययन कर जिले भर में लगभग कुल 45,000 वंचित शिशुओं को चिन्हित कर उन्हें प्रतिरक्षित करने के लिए कुल 697 सत्रों का चयन कर एक वृद्ध कार्य योजना बनाई गई। इन सब बातों के अलावा जिला प्रशासन के समक्ष उन वंचित समुदायों में टीकाकरण के प्रति विश्वास पैदा कर इसकी स्वीकारता को बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती और इसके लिए जिला पदाधिकारी ने इस अभियान का कन्वर्जेंस किया ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिले भर में हितभागी समूहों की पहचान कर उन सबको इस अभियान में संलग्न कर जो अपने अपने तरीकों से लोगों को इसके प्रति उत्प्रेरित कर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। चिन्हित हितभागी समूहों में ICDS, पंचायती राज, शिक्षा, NCC, जीविका, रिलीजियस लीडर ने प्रमुखता से इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। लोगों को जागरूक करने के लिए समुदाय स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई प्रकार की गतिविधियां चलाई गई, जैसे माता बैठक, सामुदायिक बैठक, जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक, रैली, बैनर, पोस्टर का प्रसारण आदि। कार्यक्रम की पूरी तैयारी एक क्रियान्वयन के लिए स्वयं जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स की बैठक कर इसकी संध्याकालीन समीक्षा बैठक कर पर्यवेक्षण में प्राप्त त्रुटियों का कारण निवारण किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी के कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा सभी हितभागी समूहों के साथ समन्वित प्रयास के परिणाम स्वरूप कुल लक्ष्य का 90% बच्चों को इस अभियान के दौरान प्रतिरक्षित किया जा सका। इस अभियान की सफलता से जिले के कुल पूर्ण प्रतिरक्षण की आच्छादन 80% से बढ़ाकर 86% तक हो गई। इस अभियान की सफलता से वंचित समुदायों का टीकाकरण के अलावा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी विश्वास पैदा हुआ
और वे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु उत्प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप जन सामान्य के स्वास्थ्य स्तर में व्यापक सुधार हो पाया। इस अभियान की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने उन सभी रणनीति का प्रयोग मिजिल्स रुबेला अभियान में भी करने का निर्णय लिया और उनका सार्थक परिणाम भी देखने को मिला है।